और सचिन ने सीमा हैदर की, ये मैं ओपनली बोल देता हूं कि उसने उसकी नंगी वीडियो दोनों के साथ में बना ही ली है, क्योंकि वो इनसिक्योर हो गया था एपी सिंह से, और एपी सिंह का इसके साथ फड्डा हो गया है पैसों के मामले में और औरत के मामले में भी, क्योंकि एपी सिंह पूरा कंट्रोल कर रहा है सीमा हैदर को। अच्छा व्याज भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और सभी लोग आपका नंबर भी मांग रहे थे, वहां के जो यूट्यूबर है और वहां के जो लोकल है। तो कल मेरे को आपके लाइव होने के बाद, उसके बाद मुझे फोन आया उनके दोस्तों का, क्योंकि मैंने नंबर डाला है, तो वो थे रघुपुरा जो है, जहाँ पे सचिन रहता है वहां पे। तो सचिन 24 घंटे तो भाई घर में तो नहीं बैठा रहेगा, वो बाहर तो जाएगा ना, सौदा लेने के जाएगा, शॉपिंग के लिए जाएगा, कुछ काम के लिए भी जाएगा। तो वो दोस्तों से कट हो गया था, और दोस्तों को ये हो गया, उसके जलन हो गई कि ये इतना पॉपुलर हो गया, ये हो गया, तो वो सब उसके जो दोस्त हैं उसने उसको टॉन्ट मारा कि भाई सीमा हैदर अभी थे, वो एपी सिंह लेके जाएगा, और जो ने जो पैसा बनाया ना वो भी एपी सिंह लेके जाएगा, तो वो तेरा पैसा बहुत अंदर, और वो लोग क्या। तो सचिन ने कहा कि मेरे पास, मैंने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है कि सीमा हैदर मुझे छोड़ के जा नहीं सकती, अगर वो मुझे छोड़ के जा सकती है तो सिर्फ पाकिस्तान जा सकती है, इंडिया में वो कभी रह नहीं सकेगी, क्योंकि मैंने जो इसकी वीडियो जो बना ली है वो अगर मैं वायरल कर दूंगा, जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते वाली जो होती है, जो नाइट में वो वीडियो प्राइवेट उसने वीडियो डाली है, और वो वीडियो अगर वायरल हो जाती है तो सीमा हैदर बर्बाद हो जाएगी, और एपी सिंह भी सीमा हैदर को नहीं रखेगा। तो अभी एपी सिंह और सचिन में अभी पैसे के लिए भी वो लोग को इंडिफरेंस हो गया है, इसलिए जब एपी सिंह यहाँ रक्षाबंधन के पे यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट लिए करूंगा बोलिए सर। इसमें। मर्चेंट भाई, ये तो बड़ी आपने हैरान कन इंकशाफ कर दिया है कि उसने सीमा की नाजेबा वीडियोस बनाई हुई हैं। ये तो सचिन जो है, ये तो पूरा क्रिमिनल निकला और पूरा एक तरह से पूरन वीडियो मेकर निकला। ये तो इसके ऊपर, इस पे भी कार्रवाई बड़ी सीरियस हो सकती है, किसी की प्राइवेट वीडियो बनाना या नाजेबा वीडियो बनाना और इसके जरिए ब्लैकमेलिंग करना। ये तो बड़ा संगीन नेचर का, सीरियस नेचर का ऑफेंस है, हीनियस नेचर का ऑफेंस है, जुर्म है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल है वो, अभी क्योंकि उसको मालूम हो गया कि एपी सिंह हमारे घर में बार बार आ रहा है, वो भी रात को आ रहा है, और वो दूसरा कोई मीडिया को आने नहीं देता है, और सीमा हैदर एक ही बात बोलती है कि मेरे लॉयर से बात करो, एपी सिंह से बात करो, एपी सिंह से बात करो, दूसरा वो कोई वो नहीं बोलती है, आप समझ गए ना। तो सचिन को ये मालूम हो गया कि मैं, मेरे नाम पे अकाउंट जो खुला है वो पैसे भी चले जाएंगे, और उसने सीमा हैदर को धमकी दे दी है कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तू कहीं की भी नहीं रहेगी, और सीधे तू पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल अभी सही बात है। जो है वो बिल्कुल डर गई है, और मुझे लगता है कि ये इंडियन मीडिया वाले और इंडियन यूट्यूबर वाले नहीं करेंगे। मुझे आपका नंबर मांग रहे थे कल, तो मेरे को देखो, मेरे नंबर डालने की वजह से मेरे पास बहुत कॉल आ गए, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको चैनल में देता रहूंगा। अभी आपने आज नंबर डाला है मेरे कहने पे, देखिए आपको इंडियन मीडिया यानी जो यूट्यूबर है, इंडियन मीडिया भी आपको कॉन्टेक्ट करेगी, और जो रघुपुरा के जो सचिन के जो दुश्मन हैं, जो उसके दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि सचिन की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, उसके पास पैसा आ गया और उसके पास मीडिया आ गया, उसके पास वो एपी सिंह और सीमा इधर आ गई, इनके पास बहुत पैसा आ गया है, ये भी मैं बता दूं, सचिन के अकाउंट में बहुत आ गया है, लेकिन वो पूरा अकाउंट जो भी हैंडल कर रहा है वो एपी सिंह कर रहा है। तो इनमें पैसों के बारे में और सीमा हैदर के बारे में इन लोग का झगड़ा होना लाजिम है और होगा अभी, लेकिन कोई मीडिया नहीं बोलेगा ये बारे में, आप समझ गए ना मेरी बात को, ये जो।
मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पूरी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन मैं बार बार वही बात सोच रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि सचिन ने पूरी तरह से सीमा को जकड़ लिया है और पूरी तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसने खुद अपने दोस्तों को बताया कि उसने नाजेबा वीडियो जो है वो प्राइवेट खुफिया वीडियो सीक्रेट वीडियो सीमा हैदर की बना ली हुई है, और वो ऐसी वीडियोज हैं कि वो जब वो उसको पब्लिश करेगा या इस चीज का उसको डर देता है तो सीमा उसकी हर बात मान लेती है और वो वही करती है, वही मीडिया के सामने जाके बयान देती है जो वो कहता है। तो यही वजह है कि सीमा भजन गा रही है, सीमा राखी बांध रही है, सीमा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रही है। तो ये तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा इस तरह से नजर आ रहा है कि जिन्होंने सचिन जो है ये तो एक तरह से पूरा बहुत बड़ा आप कह लें कि क्रिमिनल निकला कि जिसने नाजेबा प्राइवेट खुफिया वीडियोस बनाई हैं, वो तो बच्चियां भी उससे महफूज नहीं है, वो तो बच्चों की वीडियो बना के भी डार्क वेब पे डाल सकता है और दीगर जगहों पे डाल सकता है। जी बिल्कुल डाल सकता है, क्योंकि अभी सचिन इनसिक्योर हो गया, सचिन इनसिक्योर हो गया, और वो मीडिया भी एपी सिंह और सचिन वो सीमा हैदर को ही बता रहे हैं, और सीमा हैदर की स्टाइल भी चेंज हो गई, महंगी महंगी साड़ियां, मेकअप और ज्वेलरीज वगैरह वो पहनती है, वो देखो आप, वो पैसे कहाँ से आए, उसके पास ये पैसे नहीं तो थे, पैसे कहाँ से आए, सचिन की हैसियत नहीं है, वो 8-10 हजार कमाने वाला, प्रोविजन स्टोर में काम करने वाला, अनपढ़ अनएजुकेटेड लंगूर लप्पू सा जिंगूर सा, वो चूसा हुआ आम का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसने तो सीमा हैदर का यूज किया, उसका मकान जो गिरवा था वो भी करवा दिया, और अभी तो ब्लैकमेल कर रहा है, अभी तो ब्लैकमेल कर रहा है कि तू मुझे छोड़ के जा नहीं सकती, और ये जो एपी सिंह का जो पैसा है वो मेरे मेरा है और मेरे मुझे मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि अभी उसके दोस्त लोग उसको टॉन्ट मार रहे हैं, उसको बाहर निकलना भारी हो गया, अभी दोस्तों में बैठना उठना भारी हो गया अभी उसको। अच्छा, ये तो मर्चेंट भाई जो चीज आप बता रहे हैं इस पे तो एटीएस को फौरी तौर पे सचिन का मोबाइल कब्जे में लेकर इसकी जांच करनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि और इसका मोबाइल लेकर तहकीकात करनी चाहिए कि इसने ये वीडियो जो है वो बनाई है, और ये तो बहुत बड़ा जुर्म है एक। जी देखिए फैज साहब, पूरा मीडिया जो है वो गोदी मोदी मीडिया के अंडर में है, इसलिए ये लोग नहीं डिक्लेयर करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने नंबर डाला तो वो लोग ने मेरे को कॉल किया और उन्हें बोला कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं, आप 4 बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप इंडियन बॉर्न नॉर्वेजियन सिटीजन होते हुए भी परदेश में आप हमारे लिए कितना इंटरेस्ट रखते हो आप। वो लोगों ने मेरी तारीफ की कि भाई आप बहुत, मेरे को कॉल आ रहे हैं अभी अभी तो बहुत पोले खुलेगी, अभी तो आपको डायरेक्ट आएंगे, अभी तो कॉल आपने नंबर डाला ना, आप बताइए मुझे कितने कॉल आपको आते हैं, कितनी इंडियन मीडिया औरतें हैं, औरतों ने बोला है कि हम गुलाम हैदर को भाई बनाएंगे, प्रियंका रानी उत्तराखंड वाली ने बोला है कि हम उसको भाई बनाएंगे, हम रक्षाबंधन करेंगे, उसको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे, उसको लॉयर करके भी देंगे, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट मोदी और ये एपी सिंह, उसको मालूम है कि गुलाम हैदर आ गया तो एपी सिंह की बैंड बजने वाली है, उसका अगर प्रेग्नेंट है तो उसका डीएनए टेस्ट होगा तो एपी सिंह का नाम आएगा, तो अंदर गया जेल में उसके ऊपर रेप का भी हो जाएगा, इसलिए एपी सिंह भी डर गया है, एपी सिंह भी डर गया है। इसमें मर्चेंट भाई एक चीज और है। देखें आप कि ये जो नाजेबा वीडियोस वाला मामला है, पहले हमने डांस की तो वीडियो देखी थी, सीमा इधर का डांस तो सबने देख लिया, तो अब ये जो है, अब ये वीडियोस भी मुझे लग रहा है कि देखने को मेरा, अब ये वीडियोस का भी एक नया इंकशाफ आ गया, पता नहीं कौन सी वीडियो नई मार्केट में आएगी हरीम शाह की तरह, जिस तरह से आप बता रहे हैं। ये तो बड़ा मामला अजीब अजीबो गरीब मोड़ अख्तियार कर गया है, और ऐसी ऐसी खातून के पास बच्चे किस तरह से महफूज हो सकते हैं ऐसे शख्स के पास, और ऐसा बाप जो अपनी बीवी की नाजेबा वीडियोस बनाता है और उसका जिक्र अपने दोस्तों में करता है, वो तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है बच्चे उसके पास।
ये तो जी, बिल्कुल। और वो तीन बेटियां ये ना, हरियाणा में लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, तो ये जब बड़ी होगी तो उसको बेच भी डालेगा, ये भी मैं बोल दूं आपको। क्योंकि आपको देखो इंडिया में, 10-10-15 हजार में ये हरियाणा वाले दूसरे स्टेट में जाके लड़कियां खरीदते हैं, वो भी आ गया है यूट्यूब में। आप देखो, मैंने वो वीडियो भी आपको भेजा था कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। एक पुलिस ऑफिसर लेडी का रेप हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो वीडियो भी मैंने आपको भेजा था। बिल्कुल आपने मुझे भेजा था। अरे अच्छा, ये जो चूसा व लपू सा आम है झिंगू, ये तो अब एपी सिंह ने लास्ट टाइम जब ये राखी बांधी है तो उस वक्त ये उसमें क्यों नहीं बैठा? ये आजकल कम नजर आ रहा है, ये जो चूसा व आम है लपू जो है, ये एपी सिंह जो है वो अकेला नजर आ रहा है सीमा के साथ। उधर जो लपू था, ये जो चूसा व आम था, ये तो उधर था ही नहीं, तो ये क्या वजह बनी, ये उधर क्यों नहीं नजर आ रहा था? मैंने कहा नहीं कि ये लोग को अंदर अंदर के झगड़े हैं, और अभी उसके दोस्त जो है ना वो सब उसकी पोल खोलेंगे। वो एपी सिंह सीमा हैदर पर हावी हो गया है, और एपी सिंह जो बोलेगा वही सीमा हैदर करेगी। और ये लंगूर को, सचिन लंगूर को साइड में कर दिया। अरे उसने तो इसके माँ बाप को भी गायब कर दिया भाईजान, हाँ बिल्कुल, वो कोई भी मीडिया, एपी सिंह ने किसी को आने ही नहीं देता है, ना कोई मीडिया वालों को डायरेक्ट मिलने भी नहीं देता है। वो जब होता है तभी मीडिया बुलाता है वो, नहीं तो नहीं। एपी सिंह जो है, एपी सिंह तो इसका पूरा पूरा मैनेजर बना हुआ है। असल में तो बिग बॉस एपी सिंह ही बना हुआ है। कल हम बिग बॉस की बात कर रहे थे, बिग बॉस की मैं एंट्री सीमा हैदर की उस हवाले से बात कर रहे थे, तो ये तो बिग बॉस एपी सिंह ही बना हुआ है फिर सबका यहाँ पे तो। अभी तो जो होल एंड सोल जो है वो सीमा हैदर का जो भी है वो एपी सिंह है। और उसने देखा ना कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये कर। अरे भाई, जो अपनी सगी बहन होती है वही अपनी बहन है, दूसरी बहन को रक्षाबंधन करते है ना, उसमें कई लड़कियां जिनकी रक्षाबंधन कराया है वो लड़कियां भी भाग चुकी है उनके साथ में। ये क्या है? ये ड्रामा कर रहा है एपी सिंह, एक नंबर का चालू, एक नंबर का रंडीबाज, और ये बीजेपी का दलाल है ये। और उसने जो फार्म हाउस लिया है ना, इसी काम के लिए लिया है, समझे। और हो सकता है ये आने वाले इलेक्शन में इसको बीजेपी टिकट भी देगी, एपी सिंह को।